एक बार आप आगामी प्रोग्रामों पर नजर डालिए। इस प्रकार से है, 10 तारीख को मैं रात्रि तक यहीं हूँ, पुड़ावती के बाद में गौरीशंकर महादेव का दर्शन और मरगट वाले हनुमान जी का दर्शन। किसी के घर में मुझे जाना नहीं है इस अनुष्ठान में, क्योंकि आहुति डालने से पहले ये मैं पहले तय कर चुका हूँ। इसलिए जिन्होंने भी न्योता दिया है माफ़ी चाहूँगा। अगली बार जब भी दिल्ली आता हूँ तब आपके घर भी आऊँगा और देसी गैया का एक गिलास दूध भी पीऊँगा, ये मेरा वायदा है। 11 तारीख को भोर में मेरी फ्लाइट रायपुर के लिए है। रायपुर से मेरा प्रस्थान छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश के लिए है भोर में ही, और 11 तारीख उस दिन होगी। इधर सुनिएगा, वहाँ के लोग भी हमें सुन पा रहे हैं। 11 तारीख को दोपहर 1 बजे भव्य विशाल विराट कलश यात्रा है, जिसमें 10,000 से ज़्यादा लोग कलश यात्रा में होंगे। और भगवान श्री कृष्ण के, भगवान कृष्ण ने अवतार क्यों लिया, बस इसी बात के ऊपर 5 दिन की कथा है। तो 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख, तो यह है, वहाँ के लोग हमें सुन पा रहे हों। आप बड़ी से बड़ी तादाद में आप पधारिएगा और पूरे आयोजन का आनंद लीजिए। डिस्ट्रिक्ट बालाघाट में एक तहसील है वैयर, और जहाँ धरती में से तांवा निकलता है, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज है वहाँ पे, और वहीं ये आयोजन होने वाला है और वहाँ की संस्था कार्यक्रम करा रही है, वहाँ के लोग जरूर पधारें। 15 तारीख को कार्यक्रम पूरा होगा। 16 तारीख को मैं 11 बजे से लेकर के लगभग 11 या 12 ही बज जाएगा, फिर भी कोशिश करूँगा 11 बजे पहुँच जाऊँ जगन्नाथ टेम्पल, और मैं रायपुर में 4 बजे तक रहूँगा। वहाँ के लोग मुझे सुन पा रहे हों, ये मैंने 1 लाख गौ माता के लिए संकल्प भी मैंने रायपुर में ही लिया था। उस दिन वसंत पंचमी बड़ी थी, मैं कोई ऐसा सोच के नहीं बैठा था व्यासपीठ पर। मैं बहुत बार ये कह चुका हूँ कि संकल्प भगवान के बिना नहीं, और संकल्प पूरा भी भगवान के बिना हो नहीं सकता। जैसे रायपुर में मैंने संकल्प लिया, उसी रायपुर में वहीं से मेरी फ्लाइट है, इसलिए 2-4 घंटे का वहाँ मेरा रुकना होगा। तो 16 तारीख को मैं रात्रि की फ्लाइट पकड़ करके दिल्ली पहुंचूंगा, और दिल्ली से ही रात की फ्लाइट पकड़ करके 16 ही तारीख को मैं जम्मू में सुबह 9-10 बजे तक मैं जम्मू में हूं, और 10-11 बजे तक वैष्णो देवी माता वहां पर 9 अप्रैल से 17 अप्रैल तक विराट दुर्गा महायज्ञ चंडी महायज्ञ होने के लिए जा रहा है, जिसमें ऐसे ही 24 घंटे आहुति डलेगी। 9 दिन तक 1 मिनट के लिए भी आहुति बंद नहीं होगी। तो माता के दरबार में थोड़ा वंदन प्रार्थना प्रणाम करने के लिए मेरा जाना होगा। 17 तारीख को ही रात्रि की फ्लाइट पकड़ करके मैं दिल्ली पहुंचता हूं, और रात्रि में ही मेरा वृंदावन पहुंचना हो जाएगा। लगभग रात्रि को 3 बजे वृंदावन पहुंचूंगा, और 18 तारीख से लेकर के और मैं लगभग 28 तारीख तक वृंदावन में हूँ। 26 तारीख को मेरा जन्मदिन है, आप जरूर पधारिएगा, और इस ब्रज 84 कोस यात्रा में भी आप सादर आमंत्रित हैं, आप पधारिए। बड़े अद्भुत महात्माओं का भी आगमन हो रहा है।